नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 13, और पाठ संख्या 13 है ऐसे ऐसे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में हमारे लिए। चित्र पर आधारित गतिविधि, फर्स्ट एड बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आपको बच्चों। इसमें क्या क्या सामान रखा जा सकता है आपको बताना है। और हम करते हैं पाठ में प्रवेश। यह एकांकी एक छोटे से लड़के मोहन की है। इसमें मोहन के पेट दर्द के झूठे बहाने का वर्णन है। मोहन ने बहाना बनाया है कि उसका पेट दर्द है, जिसे मोहन ने स्कूल का काम ना करने के, विद्यालय में पढ़ने वाली डांट व मार के कारण बनाया था। झूठा बहाना होने के कारण वैद्य और डॉक्टर की जांच के बाद कुछ पता ना लगा सके, जबकि मास्टर जी ने असली समस्या का पता लगाया। तो चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ हमें पात्र का परिचय दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनेंगे। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, पिता मोहन के पिताजी, माँ मोहन की माँ, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, ये हैं इस एकांकी में पात्र। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। दोनों ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर कहती हैं, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक की रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाश्ता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ कहती हैं, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी,
ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, फ़ोन का चौंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओह ओह, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पढ़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा सा, बस जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी आप ये पुड़िया ले लो, मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियाँ भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर,
सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बार बार पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी, नहीं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है उठते हुए। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देते हैं, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोटा लोटा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं।
दीनानाथ, वाह मोहन वाह, पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टाहस के बाद पर्दा गिर जाता है। थी ना बड़ी मज़ेदार एकांकी। तो चलिए आगे चलते हैं। कठिन शब्द ये आपको लिखने हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका में। व्याकुल, यकायक, वैद्य, तार्किक, विस्तृत, प्रयास, समस्या, निश्चित, विवश, बदहजमी। शब्दार्थ हैं बच्चों जो आपको याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखने हैं। यकायक एकदम और अचानक, भला चंगा ठीक ठाक, हवाइयाँ रौनक, नटखट शैतान। और अब करते हैं बात पाठ की। मोहन कितने वर्ष का है? मोहन लगभग 8-9 वर्ष का है। मोहन कौन सी कक्षा में पढ़ता है? मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। मोहन के पिता वैद्य को कितने पैसे देते हैं? मोहन के पिता वैद्य को 5 रुपए देते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। मोहन के कहाँ दर्द है? पेट में। पिताजी ने किस नंबर पर फोन किया था? 4-3-3-3-2। मोहन के दर्द का कारण था स्कूल का कार्य ना करना। किसने किससे कहा? इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? माने पिता से। अजी एकदम सफेद पड़ गया है? पिता ने माँ से। बात का प्रकोप है? वैद्य ने पिता से। गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए? डॉक्टर ने माँ से। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ? मास्टर ने माँ से। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, मोहन स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। यदि ऐसा होता तब नाटक का अंत क्या होता, ये आपको लिखना है। तो बच्चों ये है आपका इस पाठ का गृह कार्य। ठीक है, आपको अब इस नाटक का अंत लिखना है। यदि मोहन ने स्कूल का काम सब पूरा कर लिया होता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उन्हें यह डर था कि यह कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि मोहन को क्या तकलीफ हो रही है। डॉक्टर के आने से पहले माँ मोहन को क्या क्या दे चुकी थी? डॉक्टर के आने से पहले माँ मोहन को हींग, चूरन, पेपरमेंट आदि दे चुकी थी। पिताजी ने डॉक्टर को कितने का नोट दिया? पिताजी ने डॉक्टर को 10 रुपए का नोट दिया। अंत में मोहन का दर्द कौन समझ पाया? अंत में मोहन का दर्द मोहन के मास्टर जी समझ पाए। मोहन का ऐसे ऐसे दर्द किस कारण हो रहा था? मोहन का ऐसे ऐसे दर्द इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसने स्कूल का कार्य नहीं किया था और वह पेट दर्द का बहाना बना रहा था ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये एकांकी? अच्छी थी ना? और आपने ये प्रश्न 4 ज़रूर करना है अपने गृह कार्य में। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।